अपने परिवार वाले इन संबंधियों को मारने के हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्रीमद् भगवद गीता सार पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग 37वां श्लोक दुष्परिणाम। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातुराष्टांश बांधवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। मैंने अभी तक आपसे जितनी बातें कही और जितने विचार कहे, मुझे वे सभी विचार उचित लग रहे हैं। इन परिवार जन को मारने के बारे में सोचने से ही मुझे दुख हो रहा है। अगर फिर भी मैं क्रोध और लोभ में आकर अगर मैं इन्हें मार भी देता हूँ तो हम कैसे सुखी रहेंगे। ये हमारे परिवार के लोग हैं, उनको मारकर कोई भी सभ्य पुरुष ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता। जहां परिवार का मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह में प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं रहता। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी द्वारा युद्ध का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। अर्जुन लड़ने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष ललकार के परिणाम के प्रति अनजान हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। वो इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो उसका पालन करना चाहिए, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वालों के कारण शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट है। अर्जुन अपने निर्णय पर पहुंचता है कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। श्री कृष्ण के मौन होने से अर्जुन दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय को सही बताना चाहता है। लंबे समय तक साथ रहने से दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था, और इसी कारण से अर्जुन श्री कृष्ण को माधव नाम से बोलते हुए कहते हैं, परिवार की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। अब यहाँ एक दुविधा आती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए तुम भी तो स्वजन हो। परिवार की दृष्टि से तुम युद्ध से हटने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन तो ये बात सोच ही नहीं रहा। इसका कारण है, इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो श्लोक में देते हैं।